नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। यस वीडियो में ही। अभी लास्ट वीक में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, उसका रीजन मेरा बैक पेन था और आप लोगों के मुझे बहुत विशेष मिले, उस सब के लिए बहुत ही थैंक यू। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने लास्ट वीक में बहुत ही प्रिसाइसली बोला था कि मार्केट में मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, और हम लोगों ने देखा है कि ये जो लास्ट वीक की शुरुआत थी वो एक अच्छे गैप अप से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद मार्केट में मतलब अच्छी रैली कंटिन्यू रही कुछ दिनों तक, और हम लोगों ने देखा कि भाई बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का रैली दे दिया ये लास्ट वीक में ही, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का रैली दे दिया। जो वीक के लास्ट टू डेज थे उसमें हम लोगों ने देखा कि वापस से बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का करेक्शन दे दिया और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का करेक्शन दे दिया। तो अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूं कि आने वाले वीक में मुझे मार्केट में क्या लग रहा है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है जो हम लोगों को ध्यान देने चाहिए, और मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मतलब आप उसको बोल सकते हो कि उन्होंने बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। और आप लोगों के साथ लास्ट में मैं एक नया बुर्ज खलीफा शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे चैनल पे मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसका नाम था मिल गया बुर्ज खलीफा। वो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक स्टॉक शेयर किया था, उसने अभी तक मतलब अच्छा रिटर्न ही दिया है, पर मुझे एक ऐसा नया बुर्ज खलीफा मिला है जो मतलब ये वाले बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा स्ट्रांग चार्ट लग रहा है। अभी आप में से अगर कोई हमारे चैनल पे नया आया है और उनमें से किसी ने भी वो 3 महीने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई कार्ड में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। वहां पे मैंने एक स्टॉक शेयर किया था, मतलब मैंने ये बुर्ज खलीफा क्यों बोला ना, बिकॉज उसका जो कैंडल था उसकी जो स्ट्रेंथ थी, मतलब वो जो कैंडल था वो मुझे बुर्ज खलीफा जैसा लग रहा था, मतलब एग्जैक्ट बुर्ज खलीफा जैसा नहीं, मतलब मैं वो स्टॉक का चार्ट देख रहा था और मेरे को लगा रहे बॉस ये कौन सा स्टॉक है, एकदम बुर्ज खलीफा जैसा रैली दे दिया इसने। तो ये वीक में मुझे और एक ऐसा स्टॉक मिला है जो मतलब हम लोगों को लास्ट में जो बुर्ज खलीफा मिला था ना उससे भी ज्यादा ये स्ट्रांग है, तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में वो स्टॉक शेयर करूंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे क्या लग रहा है, और वो दो स्टॉक्स कौन से हैं जिन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और वो एक स्टॉक कौन सा है जो मतलब नया बुर्ज खलीफा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉस ये तो और एक अच्छा स्टॉक है जो मतलब बुर्ज खलीफा से भी बेटर है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक्स कौन से हैं। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्पॉट निफ्टी का चार्ट है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट वीक में हमारे लिए 14,700 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और हम लोगों ने देखा कि ये वीक में ये 14,700 को निफ्टी ने क्रॉस तो किया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं बात करूँ वीकली क्लोजिंग बेसिस की तो ये अगेन 14,631, मतलब वो 14,700 के नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी आने वाले वीक में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो निफ्टी के है वो 14,700 है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 15,050 का, मतलब ये वीक का जो हाई है आप वही बोल सकते हो कि वो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये 15,050 लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो मुझे 15,300 देखने मिलेगा आने वाले वीक में। अभी मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसमें से सबसे पहला सपोर्ट लेवल ये है 14,480। उसके बाद जो अगर मार्केट गिरेगा तो 14,270 तक भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को निफ्टी का बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को अभी बैंक निफ्टी का बोलूं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही क्लियर था, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बोला था कि हमारे लिए 34,000 बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। हम लोग ने देखा कि अगेन ये वीक में बैंक निफ्टी ने 34,000 के ऊपर तो गया था, पर बैंक निफ्टी भी 32,780 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आने वाले वीक में मेरे लिए बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो ये वीक का हाई है, विच इज 34,300। अभी 34,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो मुझे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 35,550 का। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मेरे लिए पहला सपोर्ट है 31,550 और मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 30,900 का है, जो पिछले कुछ वीक से अभी तक होल्ड कर रहा है। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 3 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, उसमें से फर्स्ट 2 जो स्टॉक्स है उन्होंने मंथली में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और जो लास्ट में मैं आप लोगों को स्टॉक बताने वाला हूँ वही वो स्टॉक है जो मुझे एक नया बुर्ज खलीफा जैसा लग रहा है। अभी जो पहला स्टॉक है उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप ये स्टॉक को देखोगे ध्यान से तो ये स्टॉक ने मतलब 104 लेवल पे ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है।
अगर मैं अगर अभी आपको मंथली चार्ट अगर जूम करके बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 80 रुपीज से ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 120 रुपीज तक का एक अच्छा रैली दिया है। मतलब किसी भी एक ऐसे स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्टॉक 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और उसने 120 रुपीज तक रैली दे दिया एक मंथ में, वो ही एक बड़ी बात है। अगर आप और एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो ये है कि ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 2012 में था, उसके बाद ये स्टॉक ने 2014 में एक अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने के लिए पर ब्रेकआउट नहीं हो पाया। उसके बाद अगेन स्टॉक ने 2018 में एक अटेम्प्ट किया था और फाइनली 2021 में ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ये स्टॉक का डेली चार्ट देखोगे ना तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली कुछ महीनों से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन मैं आप लोगों को मंथली चार्ट में लेके आता हूँ, अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो 104 लेवल पे हुआ है। ये स्टॉक में जो अपसाइट है वो मुझे 177 और 200 तक का दिख रहा है, और अगर ये स्टॉक ने 83 रुपीज़ को वापस से ब्रेक कर दिया डाउन साइड में तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। हमारे लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है मंथली में, उसका नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। अभी आप ये स्टॉक को देखोगे और हमारे जो फर्स्ट स्टॉक है उसको देखोगे तो दोनों स्टॉक में बहुत आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी। अगेन मैं उषा मार्टिन पे आता हूँ, अभी आप उषा मार्टिन का चार्ट देखो, मैं उषा मार्टिन के चार्ट को भी जूम कर देता हूँ। इसने भी मंथली में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक ने ये मंथ में अगर आप देखोगे तो 33 रुपीज़ से स्टार्ट किया और ये मंथ का जो क्लोजिंग है वो समवेयर अराउंड 48 तक आया है। अभी अगेन ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, हम लोग इसका वीकली में आप लोगों को मैं वॉल्यूम बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो जैसे हमने जो पहला स्टॉक देखा सेल का, वहाँ पे भी वॉल्यूम का कंसोलिडेशन मतलब बहुत हो रहा था कुछ महीनों से, और यहाँ पे भी हम लोगों को सेम चीज़ होते हुए दिख रही है। अभी उषा मार्टिन का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो इसने भी 2011 में मतलब ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसके बाद 2015 में अटेम्प्ट किया था, और अगर आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो 2019 में भी एक छोटा सा अटेम्प्ट हुआ था, और यहाँ पे फाइनली 2021 में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। अभी उषा मार्टिन में जो मुझे अपसाइड लेवल है वो 65 रुपीज और 80 रुपीज का मुझे अपसाइड लेवल यहाँ पे दिख रहा है, और अगर वापस से ये स्टॉक ने 36 लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। अभी हमारे लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि भाई कौन सा स्टॉक है जो मुझे फिर से एक बुर्ज खलीफा जैसी याद दिला रहा है, मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके कैंडल ने मुझे बुर्ज खलीफा की याद दिला दी, तो वो स्टॉक मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। अभी मैंने ये स्टॉक का फिलहाल मैंने आप लोगों के सामने इसका नाम थोड़ा हिडन रखा है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी आप पहले एनालिसिस देखिए कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो ये चार्ट देख रहे हो ये वीकली का टाइम फ्रेम है, अभी वीकली के टाइम फ्रेम में अगर आप इसका कैंडल देखोगे तो पहले तो आप ये देखिए कि ये वीक में ये स्टॉक ने कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट किया है, मतलब आप ये देख सकते हो कि कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। और अगर अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ चार महीनों से ये स्टॉक में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ ये वीकली का है, चलिए मैं आप लोगों को डेली के चार्ट में इसका एक वॉल्यूम का कैंडल दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो ना ये अगेन डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में आप ये अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है, मतलब अगर मैं कैंडल की साइज की बात करूँ तो वो कैंडल भी बहुत अच्छा है, और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल की बात करूँ तो वो भी बहुत ही अच्छा स्ट्रांग कैंडल है। अभी यहाँ पे कुछ महीनों से ये स्टॉक में ना वॉल्यूम तो हो रहे हैं, अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये जनवरी मंथ में जो वॉल्यूम हुए थे, मतलब जनवरी मंथ के दो दिन में जो वॉल्यूम हुए थे, और अभी जो मतलब लास्ट फ्राइडे जो वॉल्यूम हुआ है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जनवरी मंथ में जो दो दिन वॉल्यूम हुए थे और अभी जो फ्राइडे में वॉल्यूम हुआ है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। मतलब आप सोचिए कि जो वॉल्यूम ये स्टॉक में 700 और 800 लेवल के पास हुए थे और उससे ज्यादा वॉल्यूम ये स्टॉक में 1000 रुपीज के लेवल के पास हुए हैं। अभी मैं आपको अगेन वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये स्टॉक ने एक स्ट्रांग ब्रेकआउट तो दिया है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो जनवरी मंथ से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये स्टॉक ने अभी 970 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, इसका जो मेरा अच्छा एरिया है मतलब बाय करने के लिए वो 970 से 1000 रुपीज का है। अगर मैं इसकी अपसाइड की बात करूँ तो ये स्टॉक में मुझे जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 1650 और 2000 तक का दिख रहा है, और अगर ये स्टॉक वापस से 840 रुपीज को ब्रेक कर देगा तो ये मेरे लिए वीक हो जाएगा। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि विजय जी आपने पूरा एनालिसिस तो बता दिया पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये स्टॉक का नाम क्या है, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये स्टॉक का नाम यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक का नाम है टाटा मेटालिक लिमिटेड। यस, ये स्टॉक वही है जो हमने 3 महीने पहले रिकमेंड किया था हमारे यूट्यूब वीडियो में, और मैं आप लोगों को वापस से वही स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज 3 महीने पहले भी इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और अभी भी ये स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है।
अभी आप लोगों को सुन के थोड़ा शॉक हुआ होगा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि विजय जी आप क्या मजाक कर रहे हो, मतलब आपने 3 महीने पहले एक स्टॉक रेकमेंड किया था 700-800 लेवल पे और वही स्टॉक को आप वापस से 1000 रुपीज में रेकमेंड कर रहे हो, इसका क्या लॉजिक है? तो आप जस्ट एक बात समझिए, आप ऐसा सोचिए मैंने आपको 3 महीने पहले वो स्टॉक बताया ही नहीं था, ये स्टॉक जो है मैं आप लोगों को नया बता रहा हूँ, मतलब एक स्टॉक नया एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको आपको नाम नहीं बताया होता या मैंने इसका नाम आप लोगों को कुछ और बताया होता तो आप लोगों को ये एनालिसिस सही लगता, पर मैंने आप लोगों को 3 महीने पहले ये स्टॉक 700 और 800 पे ऑलरेडी बताया था और वापस से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक में और पोटेंशियल है ऊपर जाने की। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को 3 महीने पहले का भी एक एनालिसिस वापस से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट हमारा 3 महीने पहले था टाटा मेटालिक में, 2018 का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और वो टाइम भी इसने बहुत ही अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया था, आप लोगों को मैंने वो वीडियो में ऑलरेडी शेयर भी किया था। अभी आप इसका करंट चार्ट देखोगे ना तो अगेन ये स्टॉक एक अच्छा ही ब्रेकआउट दे रहा है, इसने 3 महीने पहले भी एक ब्रेकआउट दिया था पर वो जो ब्रेकआउट था वो लोअर लेवल्स पे था, अभी ये स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है वो लाइफ टाइम हाई लेवल पे दे रहा है। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो मेरे लिए ये स्टॉक उल्टा अभी और बेटर है, जो 3 महीने पहले अच्छा था उससे ज्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक अभी और स्ट्रांग हो गया है, इसने अपने लाइफ टाइम हाई लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये था मेरा नया एनालिसिस टाटा मेटालिक्स के ऊपर। अभी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है। तो जैसे आप लोगों ने देखा ही, ये नया बुर्ज खलीफा मतलब कोई नया बुर्ज खलीफा नहीं है, ये वही वाला बुर्ज खलीफा है जो पुराना वाला बुर्ज खलीफा था। अभी देखो अगेन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मतलब ये कोई मजाक करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल पे मतलब ये चीज पहली बार हुई है कि किसी स्टॉक को मैंने बहुत टाइम पहले रेकमेंड किया था और वो स्टॉक को मैं वापस से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है आप सोचिए, उसका रीजन ये है कि मैंने 3 महीने पहले जब ये स्टॉक के लिए आप लोगों को बताया था तभी भी वो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और अभी भी वो स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही कि 3 महीने पहले जब इसने ब्रेकआउट दिया था तभी इसके वॉल्यूम्स कितने थे और अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है तभी इसका वॉल्यूम का साइज क्या है, मतलब अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम की साइज भी बढ़ गई है और कैंडल की साइज भी बढ़ गई है। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने इसी तरीके से प्रेजेंट किया कि मुझे और एक नया बुर्ज खलीफा मिला है, पर कभी भी बुर्ज खलीफा की जगह कोई नहीं ले सकता है, मतलब बुर्ज खलीफा वो बुर्ज खलीफा ही रहेगा, आप उसकी जगह मतलब आप किसी को भी नहीं दे सकते हो। अभी यहां पे सोचने वाली बात ये है ना कि यहां पे तो मैंने ये टाटा मेटालिक आप लोगों के सामने वापस से प्रेजेंट किया है तो आप लोगों को लगेगा कि विजय जी यही स्टॉक हम वापस से क्यों खरीदे, ये ऑलरेडी इतना महंगा हो गया है। पर अगर आप ये ऐसे सोचिए कि अगर ये स्टॉक का नाम बदल के मैं आपको बोलता कि भाई ये एबीसी लिमिटेड है, अभी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तब आपको ये स्टॉक महंगा नहीं लगता, तब आप इसको प्रॉपरली मतलब सोचते और प्रॉपरली आप इसमें अपना एक्शन ले सकते थे। तो सारा जो खेल है ना वो माइंडसेट का खेल है, आप लोगों को अपने माइंडसेट को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि टाटा मेटालिक महंगा है। मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है और अभी भी ये बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पे मैंने जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए ना, ये कोई भी आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी ट्रेडिंग एक्शन लेना हो तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात करना ये स्टॉक में एक्शन लेने से पहले। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, मतलब स्पेशली अपना नया बुर्ज खलीफा अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप लाइक करते हो तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मेरे चैनल में मैंने एक चीज नोटिस की है कि 70% लोग हमारे वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।